CFA is arguably the best course in finance in the whole world. और ये globally recognized course है. अगर आप इस course की इस video पे आए हो तो I'm assuming कि CFA की details के बारे में तो अभी तक आप जान ही चुके हो. अगर अभी भी पूरी clarity नहीं आई है उसको लेकर, check the video that I have made on CFA, जिसमें सारी की सारी details, cost, time, opportunities, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ covered है. उसको देख के आओ, then यहाँ पे आना, because इस video में हम बात करेंगे how to clear CFA level 1 efficiently. देखो यार, जब मैंने CFA शुरू किया था, I was in the last year of college. उससे पहले मैंने FRM complete कर लिया था दोनों levels. And third year जब खत्म हो रहा था, I was planning for CFA. और उसके बाद में मैंने दिया था COVID के time पे, I gave CFA exam, mask पहन के दिया था मैंने. और यार CFA और FRM exams को लेके बहुत सारे questions होते ही हैं. ये वाली video मैं CFA पे बना रहा हूँ. If you want a video on FRM also, let me know in the comments. वो भी जल्दी आ जाएगी. But अब हम बात करते हैं कि CFA जो subject है, उसको clear कैसे करना है. देखो, ये ना एक conventional exam की तरह नहीं होता है. मैंने क्या गलती करी थी, सबसे पहले जो first finance exam I gave, मेजर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, NCF में NASM वाले फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बट द फर्स्ट मेजर फाइनेंस एग्जाम दैट आई गेव वाज FRM लेवल 1. मैंने तब दिया था जब मैं 18 साल का, सेकंड सेमेस्टर बस कॉलेज का शुरू ही हुआ था. मैंने कहा क्या हुआ यार, दे देंगे. स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, कॉलेज में भी पहले सेमेस्टर में सही CGPA आ गई, मेरे को लगा ये भी एक नॉर्मल एग्जाम है, कर लेंगे. बट जो मेरा तरीका था पढ़ने का, दैट वाज नॉट सपोज्ड टू बी फॉलोड, एंड आई फेल्ड माय फर्स्ट एग्जाम FRM लेवल 1. फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड नॉट क्लियर, सेकंड अटेम्प्ट व्हेन आई गेव आई हैड द हाईएस्ट पॉसिबल क्वार्टाइल्स. तो मैंने पढ़ने का तरीका समझा और लेवल 2 में भी सेम अप्लाई किया, CFA में भी सेम ही अप्लाई किया, और यही आपको करना है फॉर बोथ दीज एग्जाम्स. बट अभी सिर्फ CFA की बात करते हैं. देखो, CFA में ना 10 सब्जेक्ट्स है, और 10 सब्जेक्ट्स में कुछ की वेटेज ज्यादा है, कुछ की कम है. ऑल ऑफ दिस आई हैव एक्सप्लेन इन द CFA वीडियो. यहाँ पे मैं मेजर फोकस रखूंगा CFA एथिक्स के ऊपर, क्योंकि CFA एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज हाईएस्ट है, एंड अगर आप उसमें 50% स्कोर नहीं करते हो, दिस इज एन अनऑफिशियल थिंग, मेनी पीपल बिलीव, मेनी डू नॉट, बट आई से कि यार बिलीव करने में कुछ जा नहीं रहा है. इट सेज कि अगर आप CFA एथिक्स के अंदर, एथिक्स सब्जेक्ट के अंदर 50% स्कोर नहीं करते हो, देन CFA आप क्लियर नहीं कर सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू स्कोर इन दी अदर 9 सब्जेक्ट्स. समझे इंपॉर्टेंस, हाईएस्ट वेटेज और 50% कंपलसरी. सो बिफोर आई जंप इनटू हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एथिक्स, आई गिव यू अ कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी. सो हियर आर 3 टिप्स दैट विल हेल्प यू क्लियर CFA लेवल 1 100%. सबसे पहला था मल्टी नोटबुक स्ट्रेटेजी. ये शायद कुछ कुछ लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स में या कभी ना कभी कॉलेज में इंप्लीमेंट भी किया होगा, बट यहाँ पे ना थोड़ा अलग तरीका है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस टाइम पे कि आप CFA के लिए कोचिंग लोगे, बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, खासकर जो लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा ट्रिकी होगा. आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर टेकिंग ट्यूशंस. अब CFA लेवल 1 में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज भी होंगे, जाहिर सी बात है. अब 10 सब्जेक्ट्स है, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि यार सारी की सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है बुक की, बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि सम लाइंस इन द बुक आर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स, एंड ऑल्सो सम लाइंस और सम स्टेटमेंट्स और सम टॉपिक्स आर दोस टॉपिक्स दैट वी पर्सनली अंडरस्टैंड बेटर देन द अदर टॉपिक्स. चाहे वो किसी और को आसान लगे, मुश्किल लगे, मुझे वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, होता है ऐसा. तो मल्टी नोटबुक स्ट्रेटेजी आपकी गेम चेंजर है. इसमें क्या करना है, सुनो. पहला, एक रजिस्टर होगा आपका फॉर योर कोचिंग. कोचिंग जा रहे हो आप, कोचिंग में कुछ भी नोट्स प्रॉपरली नहीं बनते. जो क्वेश्चन आ रहा है आप लिख रहे हो, जो सर लिख रहे हैं, मैम लिख रही है, आप वो लिख रहे हो, एंड दैट इज मोर लाइक योर रफ रजिस्टर, कि वहां गए, पढ़ाई करी, समझ आया, घर आ गए. दैट इज योर नंबर 1 रजिस्टर. नंबर 2 बनाना है सबसे इंपॉर्टेंट. घर आओगे या जब भी एग्जाम होगा या जब भी टाइम निकालते हो, यू विल डू सेल्फ स्टडी. करोगे सेल्फ स्टडी, हमेशा सेल्फ स्टडी करते हुए बुक खोलिए, यहाँ पे रखा अपना दूसरा रजिस्टर, और वहां से उस पूरे चैप्टर के हमने नोट्स बनाए. ब्लैक पेन यूज करो, ब्लू पेन यूज करो, पिंक पेन, ग्रीन पेन, कुछ भी यूज करो, बट उसको बहुत अच्छे से बनाओ. ब्लैक पेन से टॉपिक, ब्लू से उसकी डेफिनेशन या उसकी एक्सप्लेनेशन, कुछ भी. ग्रीन से अगर कोई फॉर्मूला आ गया तो वो, पिंक से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये 4 कलर्स मैं यूज करता था अपने टाइम पर टू मेक नोट्स. अब ये सुनने में लग रहा होगा यार कि कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. ये है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा ये टाइम कंज्यूमिंग है या टाइम कंज्यूमिंग नहीं, ये है. बट जब एग्जाम से 15 दिन पहले आपको वो 5-6 बुक्स दिखेंगी ना, आपको वो रिवाइज करनी है, आप कहोगे यार बहुत प्रेशर हो रहा है, पर वो जब एक सिंगल रजिस्टर में जो 5-6 बुक्स समराइज है ना एकदम अच्छी तरीके से, वो आपकी बाइबल बन जाती है एग्जाम के लिए. दैट इज व्हाई दे आर सो इंपॉर्टेंट. और इतनी ज़रा डिटेल में आप उनको समझोगे ना टॉपिक्स को भी वो लिखते हुए, उसका कंपैरिजन ही नहीं है. दैट इज व्हाई इसको करना है, जरूर करो, और चेंज हो जाएगा यार सब कुछ इसके बाद. थर्ड और फोर्थ जो बनाना है ना, वो एक छोटी सी कॉपी बनानी है. थर्ड कॉपी बनानी है सारे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला के लिए. अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कोई फॉर्मूला है, सारे के सारे फॉर्मूलाज एक छोटी सी कॉपी में लिख लो. 20-25 पेजेस के अंदर सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे 10 के 10 सब्जेक्ट्स के. उनको अभी से पढ़ना शुरू करो. 6 महीने बाद एग्जाम है, आज एक टॉपिक किया, उस वाली कॉपी में जाके मैंने फॉर्मूला लिख दिया. बहुत लोग गलती क्या करते हैं, 6 महीने है, 5 महीने सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आखिरी के 1 महीने में रिविजन, क्वेश्चन, फॉर्मूला याद, सब कुछ. 5 महीने में नहीं कर पाए सिलेबस तो, और 5 महीने के बाद भी
जब आप बैठोगे यू वांट टू डू क्वेश्चंस, यू वांट टू रिवाइज ना कि फॉर्मूला लर्न करना. फॉर्मूला लर्न करना इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन. तो जब जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसका आप फॉर्मूला लिख लो. घूम रहे हो, चल रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, कॉलेज में खाली पड़े हो, उस टाइम पे उसको बस रीड करना है. एंड आई एम टेलिंग यू, बस रीड करना है. दो पेज रीड किए, फिर अगले दिन तीन पेज रीड किए, फिर एक हफ्ते तक वही तीन पेज रीड किए. याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे. यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस नोटबुक की. और ट्रस्ट मी, मैंने ये किया है हर एक एग्जाम के लिए, अपने फाइनेंस के हर एक एग्जाम के लिए, और बहुत बेनिफिट हुआ. चौथी कॉपी बनती है हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की. जो मैंने स्टार्ट में बताया कि कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादा, कुछ पॉइंट्स हमको इजीली समझ में नहीं आते. मैं उसको हमेशा लिख लेता था. मैं कुछ कुछ चीजें मुझे कभी याद ही नहीं हुई यार फाइनेंस के अंदर. मुझे लगा यार अभी मैं एक्सपीरियंस नहीं, तो शायद मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा. कुछ टॉपिक्स होते जो हमने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करे होते. मोंटे कार्लो सिमुलेशन हो गया, कुछ फिक्स इनकम के ड्यूरेशन कॉन्वेक्सिटी के टॉपिक्स हो गए. अगर मैं एज अ स्टूडेंट 18-19 साल का हूं, मैंने कभी इसको सुना नहीं पहले लाइफ में, कभी इंप्लीमेंट नहीं किया, मुझे याद नहीं हो रहा यार. एंड इट्स ओके, आई स्टिल नीड टू गिव दी एग्जाम. तो उसको याद करने के लिए मैं उसको हमेशा एक इंपॉर्टेंट कॉपी में लिखता था, जो मेरी चौथी कॉपी है, और वहां से मैं उसको कभी भूलता नहीं. इतनी बार होता था कि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन उस कॉपी से उठ के आया और मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाया कि यार ये मैंने लिखा था और यही क्वेश्चन है. इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन मल्टीपल रजिस्टर्स. अब आता है नंबर टू पॉइंट, प्रैक्टिस वाया कैंडिडेट रिसोर्सेज. कैंडिडेट रिसोर्सेज क्या है? अगर आप CFA की वेबसाइट पे CFA कोर्स के लिए रजिस्टर करते हो, मतलब CFA एग्जाम के लिए ही करते हो कि आपको एग्जाम देना है, दे प्रोवाइड यू कैंडिडेट रिसोर्सेज. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज है, मॉक एग्जाम्स है, सब कुछ है, उनको करो. एंड अगर आपने वो अच्छे तरीके से कर लिए, नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग CFA. नो वन, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है. अगर श्वेजर, जिससे हम CFA FRM पढ़ते हो, यहाँ पे है करिकुलम, यहाँ पे आता है CFA का, थोड़ा डिटेल्ड होता है. देन आता है उसके ऊपर कैंडिडेट रिसोर्सेज के क्वेश्चंस. और जो आपका एग्जाम लेवल होता है वो आपका करिकुलम और श्वेजर के बीच का लेवल होता है, उसके बीच का. मैंने एग्जाम दिया, आई एम टेलिंग यू कि श्वेजर आसान है, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम होता है. करिकुलम अगर आप पढ़ लोगे तो एग्जाम और इजी लगेगा, बट बहुत लोग करिकुलम से नहीं पढ़ते. तो क्या करना है? प्रैक्टिस वाया कैंडिडेट रिसोर्सेज, जो सबसे मुश्किल होता है, कंपैरेटिवली सबसे मुश्किल होता है, वो कर लिया. एग्जाम इज अ केक वॉक फॉर द पीपल हु कंप्लीट द कैंडिडेट रिसोर्सेज. कंप्लीट यानी 10 क्वेश्चन किए थे हर टॉपिक के, नो, कंप्लीट. थर्ड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. बहुत बच्चे एक कैसे पढ़ते हैं चीजों को, कि हमने तो सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, पर इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया उनको समझने के लिए कि यार प्रैक्टिस का या मॉक एग्जाम्स का या फिर इतना कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिला. एंड दे गो इन द एग्जाम वेरी कॉन्फिडेंटली, और उसमें कुछ गलत नहीं है. अगर मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो गलती क्या है उसमें? बट यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे गलती होती है इन नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड द टाइप ऑफ एग्जाम. CFA लेवल 1 डज नॉट वांट टू टेस्ट यू ऑन एनी फॉर्मूला या एनी थ्योरी पार्ट स्पेसिफिकली. 180 क्वेश्चंस होते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस देंगे आपको, एक या दो मिनट में कंप्लीट हो जाने वाले. दे आर नॉट कंसर्न विद आपने कितनी डेफिनेशंस याद कर रखी है या कितने कॉन्सेप्ट को कितनी डिटेल में पढ़ रखा है. वो चाहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप टाइम से आंसर कर पाओ, एंड आपने सिलेबस थॉरली कवर किया. तो रादर देन जस्ट डूइंग एवरी कॉन्सेप्ट डीपली, फोकस अ लॉट ऑन प्रैक्टिस. अगर मैंने एक सब्जेक्ट को उसके कोई 5 चैप्टर्स को 50% भी किया है ना, लेकिन मैंने कैंडिडेट रिसोर्सेज या CFA ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस या CFA करिकुलम के बैक क्वेश्चन, एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस, वो सारे कर रखे हैं, देन ऑल्सो आई विल बी एबल टू डू माई एग्जाम बेटर देन समवन who has studied those chapters 100% but has practiced only 10% of what I did. Because exam में जो questions आएंगे आपको समझ में आना चाहिए practice करते हुए कि वो कैसे होंगे. Exam में कितने बड़े questions आएंगे, किस type से वो solve होते हैं, कितनी जल्दी वो solve हो सकते हैं, सारा का सारा पैटर्न आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही आएगा. और मैंने ये गलती करी थी FRM लेवल 1 फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, बिकॉज हमारे कन्वेंशनल पढ़ाई के तरीके ऐसे ही रहे यार, सब कुछ समझ लो, जो बुक में लिखा है उसी से क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरी का 5 बेनिफिट, 5 एडवांटेज, 5 डिसएडवांटेज, सब कुछ आ जाएगा. तो हमने कभी बाहर का पढ़ा नहीं ज्यादा. कॉमर्स में, BST में तो यही होता था, मैथ्स में बाहर का क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बट इंग्लिश के अंदर या फिर इको के अंदर बाहर के क्वेश्चन कितने रेयर थे. बट यहाँ पे दे कैन टेस्ट यू ऑन एनीथिंग. सो प्रैक्टिस करो बहुत, और सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करो. सारे का टारगेट लगाओगे तो 80% तो कर ही लोगे. तो ये तीन चीजें आपको टोटली हेल्प करेगी 100% ऑफ योर CFA प्रिपरेशन. नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट, CFA एथिक्स कैसे करें. CFA एथिक्स की इंपॉर्टेंस तो मैंने बता दी है, और बहुत लोगों को
ये ना आसान लगता है लेकिन स्कोरिंग नहीं लगता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, जरूरी नहीं कि जो चीज आसान हो वो चीज स्कोरिंग भी हो। करिकुलम बहुत आसान है यार, उसका दो चैप्टर्स करने हैं टेक्निकली, आपको है पांच बट करने दो ही है। एक है आपका एथिक्स के स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स आपको करने हैं जिसके ऊपर से मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ एथिक्स इज दो स्टैंडर्ड्स एंड द रेस्ट 20% इज द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जिसको हम जिप्स बोलते हैं। ये दो चैप्टर करने और कुछ नहीं करना। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है यार, हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट बस दो चैप्टर्स, यही यहाँ पे ट्रिकी बात है। लोग इसको लाइटली लेते हैं, लोग इसको थ्योरी समझते हैं, लोग दो चैप्टर समझते हैं एंड दैट इज वेयर दे आर नॉट एबल टू स्कोर एज मच एज दे कैन। तो कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ इसको लिख लो सीएफए एथिक्स के अंदर। अभी मैं सिर्फ एथिक्स का बता रहा हूँ, किसी और सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए होगी उसको कमेंट में लिख देना कि यार हमको तो एफआरए की चाहिए, हमको तो कॉर्पोरेट फाइनेंस की चाहिए, वो मैं कर लूंगा। बट अभी ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ दे आर ओनली एंड ओनली फॉर एथिक्स। पहला पॉइंट, आप बाकी 9 सब्जेक्ट्स श्वेतर से करो, नो इश्यूज, बट सीएफए करिकुलम से ही आपको एथिक्स की पढ़ाई करनी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो श्वेतर में मेरे हिसाब से कवर नहीं है और उतनी डिटेल में तो कवर है ही नहीं जितनी डिटेल में होने चाहिए। और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है करिकुलम वालों ने, उन्होंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स इतने सारे दिए हैं कि आप कभी ना कंफ्यूज होगे और ना आपको कभी कोई डाउट आएगा। सो मेजर पॉइंट क्या रहा कि कोई भी हम सब्जेक्ट करेंगे श्वेजर से लेकिन एथिक्स को हम करेंगे बस करिकुलम से। नंबर टू पॉइंट, प्रैक्टिस एथिक्स क्वेश्चंस डीपली। सबसे लंबे क्वेश्चन जो आपके आएंगे ना पूरे पेपर में वो एथिक्स के होंगे, केस स्टडीज आती है उसमें टेक्निकली कि इसने ऐसा किया, ये ठीक था या गलत, इन शॉर्ट यही आता है। अगर गलत है तो कौन सा स्टैंडर्ड वायलेट हुआ है, ये सब क्वेश्चंस। अब आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट है। मैंने इस एथिक्स के स्टैंडर्ड्स के आई डोंट नो बट अप्रोक्सीमेटली 500 क्वेश्चंस के अराउंड प्रैक्टिस किया, कैंडिडेट रिसोर्सेज के, मॉक एग्जाम्स के, ब्लू बॉक्स के, एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस के। एंड मेरे पेपर के अंदर जो 28 से 30 क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स के, 3 या 4 एग्जैक्ट सेम 28 questions में से अगर आपको 4 questions exact same मिल जाए, nearly 15 to 20% of the paper you know already। अब इसमें क्या खराबी है यार, कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा strong हो जाएगा आपका ethics क्या believe ही नहीं करोगे। और मैंने इतनी detail में पढ़ लिया था, मैंने कहा यार शायद मेरा standard का question गलत हो जाए because वो on the spot आपको सोचना पड़ता है। But जिप्स के अंदर जिसमें fixed questions आते हैं उसमें I was so sure कि दुनिया का कोई भी question आ जाए जिप्स तो मेरा एक एक question ठीक होगा। आई गेव 5, सारे ही ठीक हुए बिकॉज मेरे तो सारे ही ठीक थे। बट जिप्स के अंदर आई वाज सो श्योर कि कुछ भी आ जाए मैं कर लूंगा। बट अगर मैं श्वेजर से करके जाता नहीं होता है, करिकुलम से ही होगा ये। दैट इज द सेकंड पॉइंट। फाइनली आता है द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला, वो है मेक अ टेबल फॉर डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के सब स्टैंडर्ड्स जो है उसमें एक दो टेक्निकलिटीज ही अलग कर दी उन्होंने। स्टैंडर्ड सुनने में काम के वाइज एप्लीकेशन वाइज मोर और लेस सेम है, एक या दो टेक्निकलिटी चेंज कर दी है। उस केस के अंदर बहुत लोग जो डीपली नहीं पढ़ पा रहे या बहुत लोग लास्ट में भूल सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते हो तो एक टेबल बना लो या जो कॉमन स्टैंडर्ड्स है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स जो बहुत सिमिलर है जो आप पढ़ के समझ जाओगे, उनके बीच के डिफरेंसेस को लिख लो। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा और वो दोनों स्टैंडर्ड्स के बीच में आपको चूज करना पड़ेगा, दैट टेबल विल ओनली हेल्प यू, नथिंग एल्स। सिर्फ वही टेबल ऑन दैट पॉइंट आपको हेल्प करेगा। और वो अगर आपने बना लिया, एथिक्स के स्टैंडर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। आपने कुछ टोटली स्किप करा, वो क्वेश्चन आ गया, सेपरेट है। लेकिन अगर वो टेबल से कोई स्टैंडर्ड आ गया जिसमें आपने सारे डिफरेंसेस लिखे हैं, नो क्वेश्चन कैन एवर गो रॉन्ग इन सीएफए एथिक्स सब्जेक्ट।